तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरसाथ सिस्टम से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप फोरसाथ सिस्टम में ज्वाइन होना चाहते हैं या दोस्तों किसी को जोड़ना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट वैलेट से BUSD कैसे भेजें या आपको ट्रस्ट वैलेट में BUSD लेनी है तो किस प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर आप फोरसाथ सिस्टम में किसी को जोड़ना चाहते हैं या आप जुड़ना चाहते हैं तो किसी को BUSD किस प्रकार से भेज सकते हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, पहले हम अपना ट्रस्ट वैलेट ओपन कर लिया है हमने और ये देखिए हमारे पास BUSD पड़े हैं और हमारे पास स्मार्ट चेन भी पड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें फोरसाथ में एक बंदे की ID लगानी है, तो हमने उसका ट्रस्ट वैलेट बनवा दिया है। अब यह देखिए, हमने उससे पेमेंट भी ले लिया है, जो कि दोस्तों वह मिनिमम ज्वाइनिंग 1200 रुपये से ज्वाइन होना चाहता है। तो हम ये BUSD और स्मार्ट चैन उस बंदे के ट्रस्ट वैलेट में भेजेंगे। तो दोस्तों, यह देखिए, हम पहले WhatsApp पे उस बंदे से BNB या BUSD का रिसीव एड्रेस ले लेते हैं। दोस्तों, यह देखिए, उसने 1200 रुपये का पेमेंट कर दिया है और स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है। दोस्तों, यह देखिए, उसने यह BUSD का रिसीव सेंड कर दिया है BNB का। तो दोस्तों, इन दोनों का एड्रेस सेम होता है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ट्रस्ट वैलेट में आ जाते हैं। अब किस प्रकार से सेंड करनी है आप यह देखिए। दोस्तों, पहले हम BNB से करेंगे, तो BNB वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब सेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो दोस्तों हम सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, जो लिंक हमने कॉपी किया है वह ऊपर पेस्ट कर दिया है और यहाँ से हम समथिंग $3 की स्मार्ट चैन उस बंदे को भेज देंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारा $3 का अमाउंट होता है, ये देखिए नीचे आपको शो हो रहा होगा आपके कितने डॉलर का अमाउंट जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, हम 0.011 BNB उसको भेज देते हैं, जो कि $3.01 का अमाउंट उसको पहुँच जाएगा। अब दोस्तों, हम ऊपर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और यह देखिए, हमारे ट्रांसफ़र डिटेल आ जाएंगी। थोड़ी सी नेटवर्क फीस कटेगी हमारी, आप देख सकते हैं, और कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, लोडिंग होता है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अब दोस्तों, हम उस बंदे से चेक कर लेते हैं, उस बंदे से पूछ लेते हैं कि BNB आपके वैलेट में पहुंची या नहीं पहुंची। दोस्तों, ये देखिए, हमारे वैलेट से BNB कट चुकी है। अब हम उस बंदे से बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम फिर से WhatsApp पर आ जाते हैं और जिस बंदे की ID हमें लगानी है, जिसको हमें BNB BUSD सेंड करने हैं, हम उससे पूछ लेते हैं आपके पास BNB पहुंची या नहीं पहुंची। तो दोस्तों, ये देखिए, अगर उसके पास BNB पहुंच गई होंगी तो हम BUSD भी भेज देंगे और उसकी ID लगवा देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, उस बंदे ने अपने ट्रस्ट वैलेट का स्क्रीनशॉट भेज दिया है और यह देखिए, जो BNB हमने भेजी थी वह BNB इसके वैलेट में पहुँच चुके हैं। दोस्तों, ये देखिए, 0.011 BNB भेजी थी और देखिए $3 की BNB इसके वैलेट में पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, हम अपने ट्रस्ट वैलेट में दोबारा से आ जाते हैं और जो हमें BUSD भेजनी है, 10 BUSD, वह BUSD भी इस बंदे को भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फोरसाथ सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इसी प्रकार से हमसे कॉन्टैक्ट करके BUSD या BNB या फोरसाथ की ज्वाइनिंग लिंक ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह देखिए, हम अपने ट्रस्ट वैलेट में आ चुके हैं और हम बैक आ जाते हैं और BUSD वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यह देखिए, सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जो हमने पहले कॉपी की थी लिंक BNB की, इसे ही पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, दोनों की लिंक सेम होती है और हम 10 BUSD सेंड कर देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यह देखिए, ट्रांसफ़र डिटेल्स आ जाती हैं। अब दोस्तों, इसकी थोड़ी सी नेटवर्क फीस कटेगी, आपको दिख रही होगी, और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और यह देखिए, और हमारी यह BUSD भी उस बंदे के पास पहुँच जाएंगी। अब दोस्तों, उसके ट्रस्ट वैलेट में BUSD भी हमने भेज दी हैं और BNB पहले भेज दी थी। तो दोस्तों, हम इस बंदे से यह भी कंफर्म कर लेते हैं कि BUSD आपके वैलेट में पहुंची या नहीं पहुंची। तो दोस्तों, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हम इस बंदे से पूछ लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको फोरसाथ सिस्टम में ज्वाइन होना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपने ट्रस्ट वैलेट से किसी दूसरे ट्रस्ट वैलेट में BUSD या BNB भेजनी है तो आप इस प्रकार से किसी व्यक्ति का रिसीव एड्रेस लेकर उसको BUSD या BNB सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।